साथियों नमस्कार। इस समय हैं हम दीनबंधु आश्रम देवघर में। देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और इस समय हम चल रहे हैं देवघर के दीनबंधु आश्रम में। और इसके पहले भी चूंकि हम तपोभूमि गए थे, तपोवन गए थे, लेकिन वहां पर लाइव चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको तपोभूमि को लाइव दर्शन नहीं करा पाया हूँ। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइव चलने लगा है। तो ये है दीनबंधु आश्रम। सामने ही आपको भगवान शंकर की एक भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। ये देखिए भगवान शंकर की एक भव्य प्रतिमा, इसको आप देखें। और गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जगतबंधु लिखा हुआ है। और गेट से, एंट्री गेट से प्रवेश करने के बाद हम पहुंचते हैं अंदर। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा। और ये इसके एंट्री गेट, प्रवेश द्वार। और यहाँ पर लिखा है जगतबंधु आश्रम। और यहाँ पर एक कुआ भी है, देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं। है, नीचे में है, थोड़ा सा नीचे में है पानी, कुछ कम है, नीचे में पानी है कम है लेकिन। और ये सामने आपको दिख रहा है एक भव्यशा मंदिर। और यहाँ पर कुछ लोग शायद फोटो सेशन कर रहे हैं। यहाँ से कहीं से अंदर जाने का रास्ता है। ये जगतबंधु दीनबंधु आश्रम, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण यहाँ का लग रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण पावन स्थान। शिवराम भैया, जय सीताराम। और ये देखिए भव्य मंदिर यहाँ का, जगतबंधु दीनबंधु आश्रम। कौन से भगवान का मंदिर है? देखा नहीं? देख क्या, कुड़िया देख के आ रही है कि किस भगवान की मूर्ति है, कौन से भगवान है? अभी पता चलाते हैं कि कौन से भगवान की मूर्ति है। इस समय है हम अच्छा जगतबंधु का है, जगतबंधु का है। चलो देख लें क्या ऊपर जाके। नहीं, इस समय है हम झारखंड में, झारखंड राज्य। और ये जगतबंधु जी का आश्रम। यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, वहां पर भी लोग फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमको चूंकि जाना है नौलखा मंदिर, और वो 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हमको जल्दी से यहाँ से विदा लेना है। और इस समय है हम झारखंड राज्य में और देवघर में, जहां पर बाबा बैजनाथ धाम हमारा ज्योतिर्लिंग, पवित्र ज्योतिर्लिंग है, वहां पर हम हैं। और उसके आसपास के स्थानों के हम भ्रमण कर रहे हैं। देवघर में हैं इस समय हम, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। और ये जगतबंधु जी की प्रतिमा, जय बाबा जगतबंधु जी। बहुत ही बाल सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। और अब हम यहां से विदा लेते हैं बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा में। सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जो जगतबंधु आश्रम के दर्शन करने आए हैं। और इसके बाद हम जाएंगे नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 9 लाख रुपए में वो मंदिर बना था। हालांकि 9 लाख रुपए से उसकी लागत ज्यादा आ गई थी। और 5 बजे बंद हो जाता वो मंदिर। और सुबह से हम 11:30 बजे से भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण की यात्रा में हमने आपको वासुकीनाथ, सबसे पहले तो बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन आपने किए थे, जो हमारा पवित्र ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, कहते हैं बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करना चाहिए। बाबा बैजनाथ धाम के आसपास भी 22 मंदिर हैं,
और वासुकीनाथ हूबहू उसी तर्ज पर बनाया गया है। सामने ही माता पार्वती का मंदिर था उसमें भी। और अब हम चलते हैं नौलखा मंदिर की ओर।